चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प यू। आज के वीडियो में LIC के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जी हाँ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में आज बात करने वाले हैं। LIC का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो रिसेंट में नोटिफिकेशन निकला है 2020 में, उसके बारे में A to Z पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूं। जी हाँ, LIC का जो मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन था, जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, बेसिकली AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्लस असिस्टेंट इंजीनियर, दोनों पोस्ट के लिए 2020 में रिसेंटली ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसके बारे में ही आज का पूरा वीडियो है। A to Z पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन भरने का क्या प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, बुक्स वगैरह क्या है, और इस एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करना है, A to Z सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AAO की फुल फॉर्म आपको पता लगी गई होगी, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और AE असिस्टेंट इंजीनियर। अभी कंडक्टिंग बॉडी कौन है, LIC खुद ही ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। यस और नो, मुरा बच्चों क्लियर? एग्जाम फ्रीक्वेंसी, अच्छा, ये एग्जामिनेशन 5 साल या 2 साल में एक बार नहीं होता, हर साल होता है। तो जो बच्चे LIC के लिए डेडिकेटेडली इंश्योरेंस वगैरह डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई ये एग्जामिनेशन का वो वेट करते हैं। यस और नो, चलिए। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये एग्जामिनेशन प्रिंट होता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं लेनी है और हर साल इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये हर साल होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलने वाला है, सिर्फ इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, राइट? चलिए, एग्जाम मोड ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन नहीं होगा, इसलिए आप हैबिचुअल होने चाहिए। अगर क्लियर करना है पहली बार में ही, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना आना चाहिए। कैसे, देखो, टेस्ट सीरीज वगैरह ऑनलाइन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा कंप्यूटर के आगे टिक करके कैसे आगे बढ़ना है। एक टाइम स्लॉट चलती रहेगी उल्टी, उसके अकॉर्डिंग आपको हर सेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम रहेगा, तो आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए, राइट? चलिए आगे देखते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। कुल मिला के 218 पोस्ट हैं AAO के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 168 और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 50 पोस्ट है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज वगैरह है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाल दूंगा वेबसाइट का, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। AAO में भी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी अलग अलग है, जनरल पोस्ट के लिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए है, राइट, ट्रेजरी वगैरह पोस्ट के लिए है, बहुत सारी हैं, एक्चुअरियर वगैरह पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट इंजीनियर में भी इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, टेक्निकल वगैरह पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं। देखते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह की बात कर लेते हैं। एज 21 से 30 इयर्स के बीच अगर आप हैं तो एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। रिजर्वेशन वगैरह जो हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, सेम रिजर्वेशन प्रोसीजर है। अगर आप ST/SC हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC हैं तो 3 साल का है, राइट? आप ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में से या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से आप चेक कर सकते हैं ये सारी चीजें। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन है। देखिए, हर अलग अलग कोर्स के लिए मान के चलिए, आप जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है AO की है, उसमें अगर आपको CA पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्वालिफिकेशन में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा, राइट? जो जनरल पोस्ट है उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन है। परसेंटेज किसी भी पोस्ट के लिए मेंशन नहीं है, दैट मींस आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी हर पोस्ट के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए बीटेक वगैरह, BSc वगैरह आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। Yes or no? तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए अगर जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस फील्ड का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन तो है ही है, राइट? चलिए आगे देखते हैं, फाइनल ईयर नॉट एलिजिबल। ये एक थोड़ी दुखद, मतलब दुख भरी बात है कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो भाई ग्रेजुएशन होने दीजिए, फिर आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सैलरी 32,000 अप्रोक्स रहने वाली है, जो कि इनिशियल वे में बहुत बढ़िया है। 1500 के नियर अबाउट आपका एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल 1500 के नियर अबाउट आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो बहुत ही कम समय में आप 50-55-60 हजार आराम से कमा लेंगे, राइट? आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। अप्लाई भी करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका हूं मैं ये वीडियो बनाने में। इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 25 फरवरी से हो चुके हैं, लास्ट डेट 15 मार्च है। प्री एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस हैं, प्री मेंस इंटरव्यू भी है, राइट? प्री की 4 अप्रैल 2020,
जो आपका मेंस होगा टेंटेटिव है, अभी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग जून 2020 में ये हो जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू आएगा जो कि अगस्त 2020 में होगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि ये अप्लाई ऑनलाइन ही करना पड़ेगा वेबसाइट में जाकर, तो आपको एप्लीकेशन फीस भी भरनी पड़ेगी। 700 है जनरल के लिए और 85 रुपीज ओनली है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, एसटीएससी के लिए। यस और नो, पूरा बच्चों क्लियर? अब देख लेते हैं द ऑल इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पैटर्न। तीन स्टेजेस मैंने बताई आपको, प्री, मेंस और हमारा इंटरव्यू, राइट? ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई होप सो इन्फॉर्मेशन ठीक हो, अभी तक ऐसा कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पी है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीन सेक्शन आएंगे प्री में आपके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जिसको सरल भाषा में आप बोल सकते हैं, और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इस पेपर में प्री में भी सेक्शन प्लस ओवरऑल कट ऑफ है, ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होगा, सेक्शन कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है, तो ये हार्ड है एक चीज। अगर नेगेटिव नहीं है तो ये उन्होंने कर दिया है कि ओवरऑल और सेक्शन कट ऑफ दोनों करी गई है। क्वेश्चंस नॉर्मल ही आएंगे, 35, 35, 30, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और टाइम स्लॉट मिलेगा आपको हर सेक्शन के लिए। रीजनिंग के लिए 20 मिनट, क्यूए के लिए 20 मिनट, इंग्लिश के लिए 20 मिनट, 1 आवर का आपका प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। जो बच्चे भी प्री को क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस का न्योता इन्विटेशन उनको दिया जाएगा, और मेंस में नियर अबाउट 5 सेक्शन मिलने वाले हैं। रीजनिंग मिलने वाली है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेटर राइटिंग और ऐसे भी मिलने वाला है, राइट? अब थोड़ा बहुत बात करें पैटर्न में बढ़ने से पहले, अगर बुक्स वगैरह की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने पहले ही पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है कौन कौन सी इस एग्जामिनेशन की बेस्ट बुक है, सारी वहां से आपको मिल जाएगी। जो भी आपको पसंद आए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने मतलब आपके वीकर सेक्शन कौन सा है उसकी बुक परचेस करनी जरूरी है। जो आपका पहले से ही सेक्शन अच्छा है, हो सकता है आपके पास पहले से ही बुक हो, जो वीकर सेक्शन है उसके लिए बुक परचेस करनी मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। जो भी आपको परचेस करनी आप ऑनलाइन ही परचेस कर सकते हैं, और अगर आस पड़ोस में आपके मिल रही है कम दाम में तो आप आस पड़ोस अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, बेस्ट बुक की पूरी लिस्ट वहां पर मैंने प्रोवाइड कर रखी है बच्चों के लिए, राइट? चलिए, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स, 40 मिनट्स, अगेन सेक्शन टाइम है सब में, राइट? जीके के लिए 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स फॉर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स 40 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज में भी फोकस करना है आपको, ये डिपेंड करेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी प्रोफेशनल नॉलेज, राइट? प्लस इंश्योरेंस वगैरह की जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज, जो हर मतलब पीओ लेवल की जो पोस्ट होती है उसमें लेटर राइटिंग वगैरह, ऐसे राइटिंग वगैरह का भी रहता है। 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 मार्क्स के, टाइम मिलने वाला है 30 मिनट्स। प्लस जो बच्चे मेंस क्लियर कर लेते हैं उनका एक और राउंड होगा, कौन सा राउंड है? इंटरव्यू का राउंड है, वो भी आपको सक्सेसफुली क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हैं देन यू विल बिकम एन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट? तो ये थी सिंपल सी जानकारी, डिसेंट सी जानकारी, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिकली हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपके लिए बनाते हैं। गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन हो गया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड आ गया, स्टडी टिप्स, स्टडी मोटिवेशंस वगैरह वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे, और अतरंगी सतरंगी चीजों के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है। एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।